गाड़ी चला रहे थे, फिर अचानक से ब्रेक फेल हो गया। बाद में पता चला कि सामने वाला जो टायर है वो जल गया है, आग लग गई है उसमें। धीरे धीरे आग बढ़ता गया और जैसे ही पब्लिक के माध्यम से हमको सूचना मिला कि पावर हाउस में ब्रिज के ऊपर एक कार में आग लगा है, तो हमने तो ये टाटा नेक्सो की कार थी जिसमें अचानक से इंजन के बोनट के पास से चिंगारी आने लगी और आग जो है इतनी बढ़ गई। आप ये सामने एक कार पे लगी हुई आग को देख रहे हैं और उससे लगातार दमकल की गाड़ियां बुझा रही है। ये विजुअल आप साफ तस्वीरों में देख रहे होंगे। मैं इस वक्त पावर हाउस के ओवरब्रिज पर मौजूद हूँ जो हाल ही में ही शुरू हुआ था। जो इस ब्रिज के ऊपर एक कार जो काफ़ी समय से खड़ी थी अपने आप इसमें आग लगती है। आग लगने का कारण अभी तक साफ नहीं हो पाया है। कुछ देर पहले ही यहाँ पर दमकल की गाड़ी आई है और आग को बुझाया गया है। गाड़ी में आग कैसी लगी थी, कितना धधक रहा था ये गाड़ी, आप पूरा विजुअल इस वीडियो में आप देख रहे होंगे। इसका कारण और ये कैसे हुआ इसकी पूरी जानकारी हम आपको इस पूरे वीडियो में दिखाएंगे। और यहाँ पर जो लोग रुके हुए थे जिन्होंने अपने आँख से देखा कि कब लगी आग और क्या कुछ हुआ था, उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। आइए चलते हैं। इस कार में आग कैसे लगी और कैसे इसको बुझाने के लिए और बाकी लोगों को बुलाया गया और सब चीज़ों को एक शख्स ने देखा है अपने आँखों से, उन्होंने कोशिश भी की है आग को बुझाने की। हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनप्रीत सिंह है। अच्छा, क्या कुछ हुआ थोड़ा शुरुआती से बताइए। सर, हम लोग ऑफिस से आ रहे थे, भिलाईतिन में हमारा ऑफिस है। हम लोग वहाँ से आए थे, कार में हल्की सिंगारी स्पार्क आया था। हाँ, तो सबसे पहले दो तीन भैया लोग गाड़ी थोड़ी स्पीड में ली, हम लोग भी बाइक थोड़ी स्पीड में भगाए और आगे आके उनको बताया कि आपकी कार में स्पार्क आ रहा है। तो उन्होंने कार तुरंत पीछे होके चले गए, मतलब कार से उतरे और पीछे चले गए। वो कार में कितने लोग सवार थे? दो लोग सवार थे। अच्छा, तो जैसे आप लोगों ने बताया कि चिंगारी आ रही है तो वो उतर के तुरंत कार से उतर के पीछे हट गए। उसके बाद क्या, जैसे जैसे कार में आग बढ़ रही थी ना, तो एक ट्रक वालों से हमने वो फायर एक्सटेंशन लिया और मैं आग में कार में मतलब मारने भी गया, लेकिन आग इतनी बढ़ चुकी थी तो उससे कुछ नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने 112 में कॉल किया। फिर जैसे आप देख रहे हो कि हमारे ट्रैफिक DSP भी आ गए थे और बाकी फायर ब्रिगेड भी आ गई। लगभग टाइम लग गया, कितने बजे से हुआ ये घटना? 55 में स्टार्ट हुआ था ये। अच्छा, तो उस समय से आग लगी हुई है अब से, आपने देखा जी। और यहाँ पर गाड़ी वोड़ियों को लेके क्या कुछ समस्या, मतलब और भी दो तीन सारे लोग थे यहाँ पर, हम लोगों ने ट्रैफिक क्लियर करवाया क्योंकि बहुत ज़्यादा जाम लग गया था। उसके बाद फिर हमारे ट्रैफिक DSP आ गए तो उन्होंने पूरा संभाल लिया यहाँ पर। इस आग लगने की वजह से किसी की जान हानि तो नहीं? नहीं, अभी किसी की जान हानि ऐसा हुई नहीं, लेकिन क्या पेट्रोल वाला इंजन था तो हो भी सकता था। मतलब क्या सर, पेट्रोल पंप है। चिंगारी कहाँ लगी थी? सर, सामने जो बोनेट होता है ना, वहाँ पर स्टार्ट हुआ था, वहीं से स्टार्ट हुआ था। तो कारण क्या हो सकता है इसका, कुछ जानकारी आपको? सर, ऐसा कुछ आइटम शायद हीट हो सकती है। हाँ। क्या गाड़ी का जो नंबर आप देखें, CG04NE0219 है। कहाँ की गाड़ी बताई? रायपुर की है। रायपुर की गाड़ी तो वहाँ से शायद आ रही होगी, तो इस चक्कर में भी हो सकती है, ज़्यादा ड्राइव होने के कारण ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है। और जो लोग कार में ड्राइव कर रहे थे, जो दो लोग जिसके बारे में आपने बताया, वो लोग अभी कहाँ पर? सर, वो जस्ट पीछे ही है, वहाँ कार में उस साइड पीछे तरफ है, मतलब वो जी वो उतर गए थे कार से। कोई अगर शायद उनको पता नहीं लगता तो उनकी भी जान में आ सकती है। चलिए ठीक है। तो अच्छा, ये गाड़ी जो है कौन सी गाड़ी, इसके बारे में? टाटा नेक्सो। अच्छा, तो ये टाटा नेक्सो की कार थी जिसमें अचानक से इंजन के बोनट के पास से चिंगारी आने लगी और आग जो है इतनी बढ़ गई कि लोग घबरा गए और लगातार जो दोनों तरफ के रोड हैं वो दोनों रोडों को रोक दिया गया। जो रोड यहाँ से आप भिलाई पावर हाउस से रायपुर की ओर जाते हैं और रायपुर से भिलाई पावर हाउस की ओर आते हैं, दोनों को रोक दिया गया है और दमकल की गाड़ी यहाँ पर मौजूद है। हम कोशिश करते हैं कि जिनकी गाड़ी है जो उनको ड्राइव कर रहे थे उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और इस मामले को और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। और लगातार आप इस विजुअल को देख रहे हैं कैमरे पे, आइए देखते हैं। देखिए, लगभग आग जो है बुझ चुकी है, कार की हालत बेहद ज़्यादा ख़राब हो गई है। और इसको लेकर और क्या अपडेट हैं, आइए और जानते हैं लोगों से। आइए, अभी हमारे साथ वो शख्स मौजूद हैं जो कार को ड्राइव कर रहे थे, जिन दो लोगों की बात अभी कुछ देर पहले हुई थी, वो दो लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैज। आपका क्या नाम है? फिरोज। अच्छा, क्या कुछ हुआ था गाड़ी को लेकर? गाड़ी चला रहे थे, फिर अचानक से ब्रेक फेल हो गया। बाद में पता चला कि सामने वाला जो टायर है वो जल गया है, आग लग गई है उसमें। तो फिर रोकते रोकते यहीं रुकी अब गाड़ी, वहाँ से हम निकल के भाग गए। ड्राइविंग के दौरान टायर में आग लग गई थी? हाँ, टायर में आग लग गई थी। बाकी टेम्परेचर तो ठीक था, टायर में दिखा रहा था 35 नॉर्मल रहता, उतना ही था, 30-35 नीचे वाले में, पीछे के दोनों में 36 और 35 ठीक था। कितने बजे की घटना है लगभग? ये फिलहाल शाम के 6 बजे की, 6:30 के बाद की है मान लो। तो ये आग लगी है, ये आप लोग किसी ने इन्फॉर्म किया रास्ते में कि आप लोग? ब्रेक फेल हो गया ठीक, तो सामने वाले जो लोग थे रुकने के लिए कह रहे थे और गाड़ी रुक नहीं रही थी, मैं कैसे रुकूं?
अच्छा, अब बताओ कहाँ से आप आ रहे थे? मैं तो रायपुर से आ रहा था सर। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप लोग? मैं चंद्रनगर में रहता हूँ। अच्छा, तो इस हादसे के बाद कोई नुकसान हुआ आप लोगों को, क्या लग रहा है? नुकसान तो वॉलेट था वो गया है, दादा का वॉलेट और मेरा वॉलेट था वो बस चला गया है। बाकी तो बाकी अपन सामान फिर अपन उस टाइम क्या करेंगे, आदमी पैनिक रहता है जो भाग गए। अच्छा, तो देखिए अगर इसकी जो जानकारी है कार में टायर से आग लगी थी और इसकी जानकारी अगर ठीक से नहीं मिलती और बता रहे हैं कि ब्रेक भी फेल हो चुका था और गाड़ी नहीं रुक रही थी, इनके रोकने के बावजूद भी नहीं रुक रही थी, तो अभी क्या स्थिति है, क्या माहौल है? अभी सारी चीज़ों को कंट्रोल कर दिया गया, क्या कहना चाहिए? हाँ, अभी तो सब ठीक ही है। हमारे साथ इस वक्त डीएसपी साहब मौजूद है और इनसे समझते हैं कि क्या कुछ घटना थी और क्या कुछ कितना कंट्रोल किया गया। शाम को जैसे रायपुर से नेक्सॉन कार है जिसमें 3 व्यक्ति सवार थे, वो रायपुर से दुर्ग की तरफ आ रहे थे और पावर हाउस ब्रिज में चढ़ने के बाद उनकी गाड़ी में सामने वाला टायर है वो ब्लास्ट हो गया और ब्लास्ट होने के बाद जो स्टेयरिंग है वो फेल हो गया। फेल होने के बाद उसमें गाड़ी में चिंगारी निकला और चिंगारी के धुआं निकलने के बाद आग के रूप में ले लिया और धीरे धीरे आग बढ़ता गया। और जैसे ही पब्लिक के माध्यम से हमको सूचना मिला कि पावर हाउस ब्रिज के ऊपर एक कार में आग लगा है, तो हम लोग तुरंत यहाँ पर पहुँचे हैं। ट्रैफिक को पहले डाइवर्ट किया गया, फायर ब्रिगेड को बुलाया गया और जिसमें 3 लोग बैठे हुए थे वो सुरक्षित पहले ही निकल गए थे और पूरी तरीके से आग को बुझाया गया है और ट्रैफिक को अभी हम लोगों ने चालू कर दिया है। और लोगों से भी हम लोग अपील भी करते हैं कि गर्मी की सीजन में अपने गाड़ियों को सर्विसिंग प्रॉपर कराएं, कूलेंट वाटर पर्याप्त है कि नहीं उसको चेक कराते रहें और उसमें जो टेम्परेचर है उसको प्रॉपर चेक करें, टायर प्रेशर को चेक करें, उसका मेंटेनेंस जरूर कराएं ताकि किसी प्रकार की जो गर्मी में आग की जो घटना होती है उससे बचा जा सके। तो ये खास अपडेट था और इस घटना को लेकर आगे क्या कुछ अपडेट होगा हम आपको लगातार देते रहेंगे। और बाकी ऐसे डीएसपी साहब ने कहा कि गर्मी को देखते हुए अपनी गाड़ियों का जो है क्या बोलते हैं, टेम्परेचर को देखते हुए अपनी गाड़ियों का जो सर्विसिंग है आप लगातार करके रखें और अपना भी ध्यान रखें। इस प्रकार की घटनाएँ, जो भी इस प्रकार की खबरें आते रहेंगे हम आपको लगातार केपी न्यूज़ में दिखाते रहेंगे। केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।